हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अबाउट द एबनॉर्मल बॉलर मास। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास तक अपन ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लिया था, उससे रिगार्डिंग जितने न्यूमेरिकल्स थे वो सोल्व कर लिए थे। आज अपन बात करेंगे एबनॉर्मल बॉलर मास। सबसे पहले बात करेंगे अपन कि एबनॉर्मल बॉलर मास होता क्या। इससे पहले अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या देती है। अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ने अपन को चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मोलर मास को फाइंड आउट करना है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्लियर। अब ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपका कब एक्चुअल अपन को ऑब्टेन होगा, जब आपका सॉल्यूशन क्या हो, सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। कंडीशन लिखी थी आपको ध्यान हो तो, सॉल्यूशन इज डाइल्यूट एंड फॉलो रॉल्स लॉ। क्लियर बेटा, ये दोनों कंडीशन अगर है तो अपने पास में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज ऑब्टेन डेफिनेट। क्लियर हो गया, सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, फॉलो राउट लॉ। इस कंडीशन में अगर अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से मोलर मास फाइंड आउट करते हैं तो अपने पास में उसकी वैल्यूज क्या मिलती है, डेफिनेट मिलती है, एक्चुअल वैल्यू मिलती है। क्लियर। अब यहां पर अपने पास में सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में दो फिनोमिना क्रिएट हो सकती है बेटा। एक तो होता है आपका आयोनाइजेशन। क्या होगा बेटा? आयोनाइजेशन, या इसको अपन कह सकते हैं डिसोसिएशन। क्या कहेंगे बेटा इसको? डिसोसिएशन। और दूसरी फिनोमिना हो सकती है कौन सी? एसोसिएशन। एसोसिएशन तो अपने जो सॉल्यूशन गिवन है उस सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जो सॉल्यूट की मॉलिक्यूल है उनके बिटवीन आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन या एसोसिएशन प्रोसेस हो जाए तो अपने पास में जो मोलर मास है वो अपन को एक्चुअल मोलर मास ऑब्टेन नहीं होगा, और जो डिफरेंट मोलर मास ऑब्टेन होगा उसको ही अपन क्या नाम देंगे? एबनॉर्मल मोलर मास। क्या नाम होगा? एबनॉर्मल मोलर मास। क्लियर। डेफिनेशन अपन क्या देंगे? वेन इन ए सॉल्यूशन सॉल्यूट अंडरगोज आयोनाइजेशन और एसोसिएशन या डिसोसिएशन और एसोसिएशन, देन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ऑब्टेन डिफरेंट देयर एक्चुअल मोलर मास, डिफरेंट देयर एक्चुअल मोलर मास। दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। क्लियर होगी बात? फॉर एग्जाम्पल अपने पास में देखो क्या है, NaCl, CaCl2, K4FeCl का होल 6, ये आपके थ्री मॉलिक्यूल्स हैं। इनमें क्या पॉसिबल है? आयोनाइजेशन। क्या पॉसिबल है? आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन। क्लियर। इन दीज एग्जांपल्स आयोनाइजेशन टेक प्लेस। जब आयोनाइजेशन होगा तो जो मोलर मास है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट ऑब्टेन ऑप्टेन होगा। उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? एबनॉर्मल मोलर मास। क्लियर। इसमें क्या होगा, कितने आयंस मिलेंगे अपन को? टू आयंस। इसमें कितने आयंस होंगे आपके? थ्री आयंस। इसमें कितने आयंस होंगे आपके? फाइव आयंस। बात क्लियर हो रही है? इसको डिसोसिएट होगा टू आयंस, इसमें थ्री आयंस, इसमें फाइव आयंस। जो मोलर मास होगा वो अपन को डिफरेंट ऑब्टेन होगा ड्यू टू आयनाइजेशन और डिसोसिएशन। सेम एज फॉर्मिक एसिड, इसकी बात करेंगे बेटा अपन। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, इसकी बात की अपन ने, एसिडिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, दीज आर अंडरगोज
एसोसिएशन, दीज आर अंडरगोज एसोसिएशन, ये तीनों आपके इसमें इन्वॉल्व होंगे, आपके एसोसिएशन किसमें होंगे बेटा, एसोसिएशन ड्यू टू एच बॉन्डिंग, इसकी बात होगी आपकी एच बॉन्डिंग, ड्यू टू एच बॉन्डिंग, क्लियर। तो इनका जो मोलर मास है वो एक्चुअल मोलर मास से डिफरेंट ऑब्टेन होगा, इसी कंडीशन को क्या नाम देंगे अपन, एबनॉर्मल मोलर मास, क्या नाम देंगे बेटा, एबनॉर्मल मोलर मास, क्लियर। इन मॉलिक्यूल्स में तो आयनाइजेशन के रीजन से, इन मॉलिक्यूल्स में या इन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स में एसोसिएशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर। जो मोलर मास है आपका वो एक्चुअल मोलर मास से डिफरेंट ऑब्टेन होता है, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, अब नॉर्मल मोलर मास, क्लियर। अब यहां से क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, व्हाई इज मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इज ऑब्टेन 120 इंस्टेड ऑफ 60, क्या बोला मैंने बेटा, व्हाई इज मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इज ऑब्टेन 120 इंस्टेड ऑफ 60, इसका रीजन है ड्यू टू एसोसिएशन बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू एसोसिएशन बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है देखिए, एक्चुअल रीजन क्या हो बेटा, एबनॉर्मल मोलर मास ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन या आयनाइजेशन और एसोसिएशन, क्लियर। तो अपन बात कर रहे थे किसकी, एसिटिक एसिड, देख लो आप एसिटिक एसिड का एक्चुअल मोलर मास, उसी बात हो रही है, एक्चुअल मोलर मास कितना होता है आपका 60 ग्राम पर मोल, कितना होता है 60 ग्राम पर मोल, बट ड्यू टू एसोसिएशन बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्टेन 120, कैसे होती है देखिए, CH3 C double bond O, ये देखो एक मॉलिक्यूल को फाइंड आउट करेंगे, इसके साथ एक और मॉलिक्यूल आपका अटैच हो जाएगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया, इसलिए 60 देन 60 तो कितना हो गया आपका 120 ग्राम पर मोल, क्वेश्चन आता है इसका रीजन क्या है, आपको रीजन बताना है ड्यू टू एसोसिएशन बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट इज क्लियर, कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। अब यहां पर देखिए बेटा, आपने जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं उनमें एम बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो ध्यान रखना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्लियर, एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्लियर। जो भी फॉर्मूला आपको अपन ने फाइंड आउट किया है मोलर मास का, उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चाहे आपका रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, या ऑस्मोटिक प्रेशर हो, सब में आपका क्या रिलेशन आ रहा है मोलर मास के लिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब भी मोलर मास की बात होगी तो वहां पर रिलेशन क्या होगा आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्लियर बेटा। तो ये तो आपका था कौन सा, एबनॉर्मल मोलर मास। अब इस एबनॉर्मल मोलर मास को एक्चुअली एक्सप्लेन किया था किसने, वंट हाफ ने, नाम सुना होगा आपने, आया था अपने ऑस्मोटिक प्रेशर में, कौन था बेटा, वांट हाफ, किसकी बात करेंगे अपन, वांट हाफ। और इस वांट हाफ ने क्या किया,
एक फैक्टर दिया आई, वांडा आपने क्या किया एक फैक्टर पोस्ट किया आई, और उस आई को कहा जाता है वांडा फैक्टर। क्या बोलेंगे इसको? वांडा फैक्टर। क्लियर? तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट टॉपिक है आपका वांडा फैक्टर। देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अपन, कौन सा वांडा फैक्टर। वांडा फैक्टर से अपन क्या करेंगे, एब नॉर्मल मोलर मास को अपन एक्सप्लेन करेंगे। एब नॉर्मल मोलर मास को क्या करेंगे अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो अपना टॉपिक है बेटा कौन सा वांडा फैक्टर। क्लियर? इसकी बात करेंगे अपन वांडा फैक्टर। क्लियर? अब देखिए इसको अपन किस नोट करते हैं आई से, जो क्या एक्सप्लेन करेगा अपन को कि आपका ये एब नॉर्मल मोलर मास जो आया है इसको अपन किस टाइप से एक्सप्लेन करेंगे। राइट? एब नॉर्मल मोलर मास को वांडा ने किससे एक्सप्लेन किया, वांडा फैक्टर से। तो आई की डेफिनेशन क्या होगी, आई की डेफिनेशन क्या होगी बेटा ध्यान रखना। अब यहां पर इन सेंस ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सबसे पहले इसकी बात करते हैं अपन इन सेंस ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अपन को क्या मिल रहा है, मोलर मास ऑफ सॉलिड। तो अपन वांडा फैक्टर को पहले किससे कोलिगेट करेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। अब दो चीजें होगी आपके पास, कौन कौन सी, एक तो होगी आपकी ऑब्जर्व, कौन सी होगी बेटा ऑब्जर्व चीज होगी जिसको अपन क्या कह सकते हैं प्रैक्टिकल, कह सकते हैं अपन इसको प्रैक्टिकल। एक होगी आपकी कौन सी थ्योरेटिकल, या कहेंगे कैलकुलेटर, उसकी बात करेंगे अपन कैलकुलेटेड, इसको बोलेंगे अपन थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल ध्यान से समझना, ऑब्जर्व प्रैक्टिकल, कैलकुलेटेड थ्योरेटिकल, ये फिक्स होगी ध्यान देना, ये वैल्यू क्या होगी आपकी फिक्स वैल्यू होगी। राइट? जैसे बात करूं एसिडिक एसिड है पास में, एग्जाम्पल लिया था आपको, समझना आप एसिडिक एसिड के लिए जो मोलर मास है कौन सा कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल, वो कितना है आपका 60, कितना है 60, पर अपन ने प्रैक्टिकली उसको जो ऑब्जर्व किया तब कितना मिला उनको 120, कितना मिला उनको 120। आगे बात समझ में, तो आपके पास में जो एक्चुअल होगा उसको तो अपन कौन सी वैल्यू कहेंगे, कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकली, और जो अपन ऑब्जर्व करेंगे प्रैक्टिकली फाइंड आउट करेंगे उसको क्या कहेंगे अपन, वो होगा आपका ऑब्जर्व या प्रैक्टिकली वैल्यू। क्लियर बेटा? ये चीज समझ में आ गई होगी आपको कि अब आपका इसी के बेस पे चलेगा आपका ऑब्जर्व अपन कैलकुलेटेड, प्रैक्टिकली अपन थ्योरेटिकल। तो जो आई है, आई मीन्स वांडा फैक्टर, आई मीन्स वांडा फैक्टर, जो वांडा फैक्टर है वो आपकी डेफिनेशन क्या देता है उनको, आई स्क्वायर रूट। वांडा फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व प्रैक्टिकली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या जोड़ूंगा मैं इसमें आपको, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसकी बात करूंगा बेटा मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व प्रैक्टिकली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज नोन एज वांडा फैक्टर, इज नोन एज वांडा फैक्टर। क्लियर? ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड, प्रैक्टिकली अपॉन थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल मीन्स फिक्स वैल्यू, प्रैक्टिकली मतलब आपको जो ऑब्टेन हो रही है बाय प्रैक्टिकल, जैसे मैंने बात की।
बात क्लियर है। इसको दूसरी वे में कैसे कर सकते हैं, देखो कैसे। आई स्क्वायर देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर आयोनाइजेशन और एसोसिएशन। इसकी बात करेंगे बेटा आयोनाइजेशन और एसोसिएशन। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर आयनाइजेशन और एसोसिएशन। क्लियर। आफ्टर मतलब जब अपन प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एसोसिएशन या आयनाइजेशन होगा तभी तो अपन प्रैक्टिकल वैल्यू ऑब्टेन होगी। बिफोर जब अपने पास में थ्योरेटिकल वैल्यू पहले से ही प्रेजेंट है कि इसका मोलर मास कितना है या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इतनी है। आइए बस क्लियर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर आयनाइजेशन और एसोसिएशन मतलब प्रैक्टिकल वैल्यू, बिफोर मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू। क्लियर। अब कोलिगेटिव के सेंस में कैसे करेंगे इसको, देखिए बेटा इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के सेंस में कैसे करेंगे इसको। आई इज इक्वल टू डेल्टा पी ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा पी कैलकुलेटेड, डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी कौन सा वाला, ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेट। क्लियर। आई स्क्वायर डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टीएफ कैलकुलेट पाई ऑब्जर्व अपॉन पाई कैलकुलेट। क्लियर। आई इक्वल टू डेल्टा पी ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड, डेल्टा टी बी ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड, डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड एंड पाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड। क्लियर। दिस इज द लोअरिंग प्रेशर, दिस इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। दीज आर द डेफिनेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। अब वांट ऑफ फैक्टर की जब वैल्यू अगर अपने पास ऑब्टेन होगी उस कंडीशन में, अब अपने पास में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला है वो एक मॉडिफिकेशन फॉर्म में अपन को ऑब्टेन होगा, तब अपने पास में एब्नॉर्मल मोलर मास की कंडीशन खत्म हो जाएगी। तो अगर अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले को आई से मल्टीप्लाई कर दे तो अपने पास में दोनों कंडीशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। दोनों कंडीशन क्या होगी बेटा, इक्वल हो जाएगी। तो देखिए अब जो फॉर्मूलेज अपन ने इनके फाइंड आउट किए थे उनमें अपन इसको इंट्रोड्यूस करेंगे वांट ऑफ फैक्टर, इसको करेंगे वांट ऑफ फैक्टर। क्लियर। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला क्या था अपने पास में, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर। इसके लिए जो फॉर्मूला आया क्या था, पीए नॉट माइनस पी अपॉन पीए नॉट
इंटू आई एक्स यही था पी ए नोट माइनस पी अपॉन पी ए नोट इंटू आई से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसके इक्वल था ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर। सेकेंड अपने पास में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। ये किसी को होगा आपका डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू स्मॉल एम, स्मॉल एम इज मोलिटी, तो इसको अपन कैसे ले सकते हैं, डेल्टा टी बी इक्वल टू आई डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डब्ल्यू ए 1000। क्लियर। कोई डाउट है तो मॉडिफिकेशन फॉर्मूला इन सेंस ऑफ पॉइंट ऑफ फैक्टर, किससे मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने पॉइंट ऑफ फैक्टर्स। क्लियर। नेक्स्ट देखिए अपने पास में कौन सा आएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या आएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई टू एम, आई इन टू एम। इसमें एक चीज अपन यहां पर मिस कर गए, यहां पर के भी आएगा सेम एज यहां पर भी के भी आएगा, सेम एज यहां पर भी अपने पास में क्या जाएगा के बी इन टू एम। के भी क्या है आपका एलिवेशन कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, राइट। के एफ क्या है डिप्रेशन कॉन्स्टेंट फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर। इसको अपन कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ आई डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डब्ल्यू ए इंटू 1000। ये अपने पास में इसका वाइंड ऑफ फैक्टर विद कोनेगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले हो गए। क्लियर। लास्ट फॉर्मूला अपने पास में कौन सा, नंबर फोर ऑस्मोटिक प्रेशर, कौन सा हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर। क्या होगा पाई इक्वल टू आई सी आर टी, पाई इक्वल टू आई सी आर टी, पाई इक्वल टू आई सी आर टी। इसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं अपन, देखो पाई इक्वल टू आई डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी इंटू आर टी, तो अपने पास में ये दोनों फॉर्मूले आ गए। क्लियर। तो देखिए बेटा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड देन ऑस्मोटिक प्रेशर, फोर कोलिगेटिव आल्सो कोरिलेट विद वन ऑफ फैक्टर विच एक्सप्लेन द एबनॉर्मल मोलर मास। इट इज क्लियर। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, सारे टॉपिक क्लियर हुए होंगे। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।